जी डिस्कस कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक बड़ा ही जबरदस्त। आज हम बात करेंगे आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, इसके ऊपर आज का लेक्चर होगा। इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। आइसोटॉप्स का पेंडोरा बॉक्स आपके सामने ओपन कर दिया जाएगा। आइसोटॉप्स होते क्या है? आइसोटॉप्स स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एलिमेंट्स भी होते हैं दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो एक तरह का हो लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन एटम्स हैं, प्रोटॉन वन। अब आप समझ रहे होंगे जिसमें एक प्रोटॉन होता है वो कौन सा एलिमेंट होता है? हाइड्रोजन। शाबाश। अब हम कहते हैं कि इसमें न्यूट्रॉन जो है वो है ही नहीं, नो न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं, इसमें हम कहते हैं एक न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको नजर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स पहले नजर नहीं आ रहा था, आई होप सो आपको नजर आ रहा होगा। तो हमारे पास जो है लेट्स से दैट कि एक प्रोटॉन है और यहां पर भी जो है वो एक ही प्रोटॉन है। यहां पे न्यूट्रॉन जो है वो आप कह लो एक है और यहां पे न्यूट्रॉन दो है। ये भी एक न्यूक्लियस बन गया। अब ये न्यूक्लियस के जितने प्रोटॉन होते हैं आपको याद होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसमें एक प्रोटॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक। इस तरह से यहां पर हमारे पास एक एलिमेंट है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन एक ही होगा और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही होगा। तो यहां से हमें पता लगा कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक प्रोटॉन है। लेकिन आप ये देखो कि हमारे पास ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और लेकिन आप देखो इसका एटॉमिक नंबर वन है, इसका एटॉमिक नंबर वन है। इसका मास निकालने के लिए आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करना पड़ता है, तो लिहाजा मास क्या होगा? वन, क्योंकि वन प्लस जीरो वन। अब यहाँ पे वन प्लस वन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? यानी यहां पर मास बढ़ गया है, यानी एटॉमिक नंबर सेम है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर क्या हो रहा है? इसलिए ये हमारे पास हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स हैं। तो बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं आइसोटॉप्स, किसी के आइसोटॉप्स कम होते हैं। तो इस हाइड्रोजन का हमने नाम रखा हुआ है प्रोटियम। ये तकरीबन 99% कुदरत में पाया जाता है। ये है ड्यूट्रियम, और ड्यूट्रियम जो है वो एज कम्पेयर टू प्रोटियम बहुत कम होता है। और ये रेडियोएक्टिव आइसोटॉप है, इसका नाम है ट्रिटियम, और ट्रिटियम जो है वो बहुत ही कम पाया जाता है नेचर में। तो स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा कि आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। स्टूडेंट्स देखो और भी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप देखो इसमें भी एक ऐसे इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s1। इसकी भी क्या होगी? 1s1। पहला शेल है, ये देखो पहला शेल है, के शेल है, और के शेल में एक ही सबशेल आएगा, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s1 ही लिखूंगा ना। यहां पर भी क्या लिखूंगा? 1s1। यहां पर भी लिखूंगा 1s1। ये भी के शेल है और ये भी के शेल में। अब आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन यहां पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, राइट। सो आगे चलते हैं, हमारे पास सेम प्रोटॉन नंबर। अब आपको पता है सब में क्या है, एक खूसियत क्या है आइसोटॉप की, मतलब प्रोटॉन नंबर हमेशा सेम होता है। और फिर डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, आप देख रहे हो सब में न्यूट्रॉन का डिफरेंस एक में है ही नहीं है। अगर आपसे पूछे ना कि ऑर्डिनरी कोई ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जिसमें न्यूट्रॉन ही नहीं होता, तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, एक ही एलिमेंट है पूरे प्रोडक्ट टेबल में 118 एलिमेंट्स में से, जिसका नाम है प्रोटियम हाइड्रोजन। यानी इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी तमाम एलिमेंट्स में, तमाम एटम्स में क्या पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स एक और प्रॉपर्टी ये है कि दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको पता है कि इसने ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनाना है, इसने भी ऑक्सीजन से मिलकर पानी ही बनाना है, क्योंकि सबका इलेक्ट्रॉनिक नंबर सेम है ना, तो केमिकल रिएक्टिविटी भी सबकी क्या रहेगी? सेम। लेकिन याद रखो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होगी? क्योंकि आप लेट्स से दैट कि ये पानी बना लेते हो, ठीक है, इस हाइड्रोजन का पानी बना लिया, इस हाइड्रोजन का पानी बना लिया और इस हाइड्रोजन का पानी बना लिया। इस हाइड्रोजन का पानी बनाओगे तो वजन कितना है? एक है। दो हाइड्रोजन का 2 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम, आंसर क्या है? 18 ग्राम। तो फिजिकली वजन आया 18 ग्राम। अब इसमें आपको पता है एक हाइड्रोजन का वजन क्या है? 2 ग्राम। तो दो हाइड्रोजन का क्या हुआ? 4 ग्राम। ऑक्सीजन का 16 ग्राम, वजन क्या आया? 20 ग्राम। यानी ये पानी भारी होगा कंपेयर टू दिस। केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, दोनों ही पानी बने हैं, लेकिन एक हल्का पानी है एक भारी पानी है, इसे कहते हैं हैवी वाटर।
समझ रहे इस चीज को? अब ये कुदरती तौर पे कहीं एक गिलास पानी आपको पता है एक बाल्टी है तो अगर ड्यूट्रियम की भरी हुई है तो वो भारी होगी, एक ही बाल्टी है और एक बाल्टी में प्रोटीन की भरी होगी पानी की वो हल्की होगी, क्यों? क्योंकि उसका एक मॉलिक्यूल का वजन जो है वो 20 AMU है और एक मोलर वजन मैंने लिख रहा हूँ फिलहाल, ये जो 20 ग्राम होता है ग्राम जो मोलर वजन होता है मोल का वजन होता है और यहाँ पर निकालोगे तो एक आइटम का वजन 3 है तो 2 आइटम का वजन 6 ग्राम हो जाएगा। तो 6 ग्राम को आप 16 में जमा करोगे तो आंसर क्या आएगा? 22 ग्राम आंसर आएगा। शाबाश, तो लिहाजा पता लगा कि जो और भी भारी हो गया पानी। तो समझ रहे इस चीज को कि केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है कि सब पानी ही बना रहे हैं, हाइड्रोजन चाहे प्रोटियम ऑक्सीजन से मिल रहा है, ड्यूट्रियम ऑक्सीजन से मिल रहा है, ट्रिटियम ऑक्सीजन से मिल रहा है, बना तो वो पानी ही रहा है लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि उसका जो एक फिजिकल अपीयरेंस है उसका जो वजन सामने आ रहा है वो डिफरेंट है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में फर्क हो सकता है और भी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी हैं उनमें फर्क हो सकता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स हैव अज़ोटॉप्स, ये बात याद रखना, जितने भी पोर्टेबल में एलिमेंट्स हैं तकरीबन सबके अज़ोटॉप्स होते हैं, तकरीबन यानी कि सबके अज़ोटॉप्स होते हैं राइट। लेकिन हमारे सिलेबस में शुगर है सबके नहीं पढ़ने, हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के, कार्बन के, क्लोरीन के और यूरेनियम के, अभी हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं राइट। तो स्टूडेंट्स याद रखो ऐसे एलिमेंट जिनका एक ही अज़ोटॉप होता है, ऐसे एलिमेंट जिनका एक ही अज़ोटॉप होता है उनको हम कहते हैं मोनो अज़ोटॉप्स। याद कि सिलेबस में नहीं है लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था तो लिहाजा मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। तो स्टूडेंट्स ये आप हम बात करते हैं अज़ोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन एंड यूरेनियम की। तो स्टूडेंट्स अभी हमने हाइड्रोजन की वजह से बात कर ली है, इसको रिवाइज करेंगे और फिर कार्बन और क्लोरीन की बात करेंगे और आखिर में यूरेनियम की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपसे हाइड्रोजन के अज़ोटॉप्स की, तो हाइड्रोजन के अज़ोटॉप्स जो है वो आप याद रखोगे नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन जो भी आपको मिलती है हवा में वो है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि 3 किस्म के हाइड्रोजन एटम जो हैं वो पाए जाते हैं। अबंडेंस का मतलब है कसरत से, यानी कि कुदरत में कसरत से जो हाइड्रोजन पाए जाते हैं वो 3 किस्म के हैं, जिनमें तीनों के नाम थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया था, प्रोटियम जिसको आप लिख सकते हो इससे। अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, पहले अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट उसका जो वजन है वो आप लिखते हो और उसका एटॉमिक नंबर लिखते हो, तो ये साइड है आपको पता है कि ये राइट साइड है और ये वाली साइड कौन सी है? लेफ्ट साइड है। तो जो राइट साइड पे आप लिखोगे तो आपने मेरी बात याद रखनी है कि जो एटॉमिक नंबर है वो आपने ऊपर लिखना है और एटॉमिक मास जो है वो आपने नीचे। लेकिन ये बात अगर आप लेफ्ट साइड पे लिख रहे हो ठीक है तो फिर मास नंबर ऊपर चला जाएगा और एटॉमिक नंबर नीचे। अभी आपको मैंने जो पीछे एग्जांपल करवाई मैंने इस रूल के हिसाब से करवाई थी और अब जो मैं एग्जांपल करने लगा हूं मैं लेफ्ट साइड सिंबलाइज्ड मास एंड एटॉमिक नंबर रूल के हिसाब से कराने लगा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो कि यहाँ पर 1-1 लिखा हुआ है, यानी ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है, इसको आप प्रोटीन को ए से रिप्रेजेंट करते हो, ड्यूट्रियम को आप डी से रिप्रेजेंट भी कर देते हो। अब देखो ऊपर मैंने लिखा हुआ मास, नीचे लिखा हुआ एटॉमिक नंबर, ये फर्क है। अगर यही मैं लिखता इस तरफ तो मैं ऊपर 1 लिखता नीचे 2 लिखता, ये आपने बात नहीं भूलनी है, कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है। ये ओल्ड मेथड है जो मैं यूज करता हूँ, तकरीबन ओल्ड मेथड है ये वाला, अब न्यू मेथड आ गया है तो लिहाजा दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे होंगे सर सेंटर में अगर लिखा जाए तो क्या होगा, तो सेंटर में एटॉमिक नंबर ही लिखा जाएगा और एटॉमिक मास नीचे लिखा जाएगा ठीक है, सेंटर में अगर आप लिख रहे हो तो। पर सेंटर वाला तो रूल कोई लगाता नहीं, चलता नहीं है। फिर ट्रिटियम, ट्रिटियम में देख सकते हो आप कि यहाँ पर मास ऊपर नजर आ रहा है नीचे एटॉमिक नंबर है और इसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रिटियम हाइड्रोजन है ये भी। तो अगली बात जो की जा सकती है वो ये है कि ये जो हमारे पास अज़ोटॉप्स हैं सबका एटॉमिक नंबर सेम है और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज अज़ोटॉप्स ऑफ कार्बन। जी तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कार्बन के अज़ोटॉप्स की। जो कार्बन है बेसिकली इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ, क्योंकि कार्बन ना होता तो जिंदगी ना होती, याद रखना जिंदगी कार्बन की वजह से है। तो स्टूडेंट्स कार्बन के अज़ोटॉप जो है देयर आर 2 स्टेबल अज़ोटॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 2 स्टेबल अज़ोटॉप्स होते हैं लेकिन एक रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है जो श्वाएं निकालता है, श्वाएं का मतलब होता है रेडिएशंस, रेडिएशन का मतलब होता है वेव्स ठीक है, कुछ पार्टिकल अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस। तो कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 14 कार्बन 12 कार्बन 13 स्टेबल है लेकिन कार्बन 14 स्टेबल नहीं है। स्टूडेंट्स एक बात आपसे और शेयर करना चाहूंगा कि जो कार्बन 12 है वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, मोस्ट अबंडेंट है, अबंडेंट
कसरत से पाया जाने वाला, कसरत से पाया जाने वाला सबसे ज्यादा, यानी कि कुदरत में जितना भी कार्बन है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वो है उसमें कार्बन 12 सबसे ज्यादा है, विच इज 98.9%। ये बोर्ड में एमसीक्यू आपको आएगा, फिर ना कहिएगा सर ने बताया नहीं था, हमने तो बताया है। उसके बाद है जी कार्बन 13, कार्बन 14, ये दोनों मिलाकर 0.1% है, यानी कि बहुत ही कम है ये। तो बिल्कुल सोचें कि कार्बन 14 तो बहुत कम मिकदार में है जो अनस्टेबल रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो लिहाजा अब आते हैं जरा मुद्दे की तरफ, इनके अदर ड्रॉप्स की तरफ। अब देखो सब में प्रोटॉन नंबर फिर क्या हुआ, सेम प्रोटॉन नंबर सेम रहेगा, लेकिन किसमें फर्क आएगा, न्यूट्रॉन नंबर में। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो प्रोटॉन नंबर, लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। ये देखो 6 + 6 12 6 + 7 13 6 + 8 14। यहां से अंदाजा हो रहा है जनाब कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के हिसाब से है और मास नंबर डिफरेंट है। सबका सभी कार्बन है लेकिन सबका मास नंबर डिफरेंट, लेकिन जो मास है 12 वाला मास, यानी ये वाला एलिमेंट यानी न्यूक्लियस जिसके अंदर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, दिस इज 98.9%। तो ये थे एमसीक्यूज और कार्बन के अदर ड्रॉप्स। तीन अदर ड्रॉप्स कार्बन के होते हैं, तीन अदर हाइड्रोजन के होते हैं, क्लोरीन के होते हैं दो अदर ड्रॉप्स और यूरेनियम के होते हैं तीन अदर ड्रॉप्स। अभी हम बात करते हैं क्लोरीन की और यूरेनियम की। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्लोरीन आधे टॉप की। क्लोरीन के दो आधे टॉप हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। लेकिन याद रखो क्लोरीन का मास आपने याद करना है, वो इन दोनों में से याद नहीं करना। वैसे मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 70% पाया जाता है, ये 30% पाया जाता है, शायद मैं सही कह रहा हूँ, बस मुझे डाउट हो रहा है। पर जो मास आपने याद करना है वो है 35.5, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा। तो अब आप रफ नोट बुक्स निकाल लो और निकाल कर इनका स्ट्रक्चर बनाओ, उसका लो एक पिक्चर और मुझे करो व्हाट्सएप, फिर मैं देख के बताऊंगा आपने स्ट्रक्चर ठीक बनाया कि नहीं बनाया। व्हाट्सएप किधर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा है, हमें यहाँ पर पता ये लग रहा है कि क्लोरीन के जो आधे टॉप्स हैं वो 35 हैं और क्लोरीन के जो आधे टॉप्स हैं, सॉरी क्लोरीन के आधे टॉप्स हैं जो वो दो हैं, एक है क्लोरीन 35 और एक है क्लोरीन 37। क्लियर होगी बात? यस सर। और क्या बात क्लियर हुई? इसके एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। हाँ, लेकिन आपने ये भी याद रखना है कि हमने जो याद रखना है मास 35.5 है, इसे हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, फर्स्ट ईयर में सीखेंगे, अभी के लिए बस एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज देनी थी। राइट, चलते हैं यूरेनियम के आधे टॉप्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं यूरेनियम के आधे टॉप्स की। यूरेनियम के आधे टॉप्स देखें तो यूरेनियम के तीन आधे टॉप्स होते हैं, बताया था मैंने आपको, यूरेनियम 234, 235, 238। बस आपको ये बताना है कि यूरेनियम 238 जो होता है वो 99% नेचर में सबसे ज्यादा होता है। या आपको बोर्ड में एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, बोर्ड में एमसीक्यू आ सकता है। तो लिहाजा आपने ये बोर्ड में एमसीक्यू जो आने वाली बातें मैं करता हूँ वो आपने लाजमी फोकस करनी है। राइट, अच्छा आखिरी बात मैं आपसे ये करूंगा, ये टेबल दिया हुआ है आपको, इस टेबल को आपने गौर से देख लेना है मेरे लेक्चर के बाद यानी कि अब, और आपने देखना है क्या बात समझ में नहीं आई, जो बात समझ में नहीं आई वो आपने मुझे बताना है। छोटी सी बात करूंगा कि आधे टॉप्स का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, एप्लीकेशन ऑफ आधे टॉप्स, लेकिन ये छोटी सी बात नहीं है, ये बड़ी बात है, क्योंकि इस छोटी सी बात को हम कन्वर्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आधे टॉप्स, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो यूजेस हम बात करेंगे, रेडियो आधे टॉप्स की ज्यादातर बातें हो रही हैं यहाँ पे, तो एप्लीकेशन यूजेस की बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। सो ये था हमारा लेक्चर, अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।